हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपुलर किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हनी, आज मैं आपके सामने करवा चौथ स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस मिठाई को दीपावली, भाई दूज पे भी बना करके खा सकते हैं और खिला सकते हैं, क्योंकि यह मिठाई देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने इसको अपनी घर की बनी हुई चीज़ों के साथ बनाया है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई तामझाम नहीं करना है। मात्र यह मिठाई 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम दीपावली स्पेशल या करवा चौथ स्पेशल मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। मिल्क मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। आप यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं ये मिठाई बनाना बता रही हूँ। ये मेरा घर का बना हुआ मावा है। अब हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मावा फ्रिज में रखा था तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। यहाँ पर मेरा दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और मावा भी सॉफ्ट हो चुका है। ये हम इसमें डाल देंगे। मावे को हमने दूध में डाल दिया है। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिठाई को मिल्क पाउडर के साथ भी बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर राइस फ्लावर डालेंगे। मैं यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बनाना बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी, 1 कप दूध और 1.5 कप मैंने यहाँ पर राइस फ्लावर लिया है, यानी कि चावल का आटा। इस मिठाई को बनाने का ये मैं परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। इससे मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, जब तक कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। इसको मिलाएंगे अच्छे से। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बिल्कुल स्लो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर घर का बना हुआ मावा यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर मार्केट वाला भी मावा यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। यदि आप मार्केट वाला मावा यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अब हम इसमें देसी कोकोनट डालेंगे। देसी कोकोनट मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब लिया है। ये 3 से 4 चम्मच होगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पर हमने कवर करके रख दिया है 5 मिनट के लिए, जिससे कि हमने जो राइस फ्लावर डाला है, चावल का आटा जो डाला है, वो पक जाए। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं। ये देखिए, पहले से ज़्यादा काफ़ी थिक हो चुका है। हमारा यहाँ पर चावल के आटे का जो कच्चापन है वो भी निकल गया है। अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट और भूनना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये देखिए, मावे ने हमारी कढ़ाई को छोड़ दिया है, यह बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, ठंडा होने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाना चालू करेंगे। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बहुत ही हल्का गुनगुना रखना है। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू बनाए हैं। यहाँ पर मैंने सभी लड्डू को बना लिया है। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। मिक्सिंग बाउल में हम 1/2 कप देसी कोकोनट डालेंगे। हमने इसमें जो लड्डू बनाए थे उसको डाल देना है। इस पे देसी कोकोनट को कोट करना है। इस तरीके से हिला लेंगे, अच्छे से चारों तरफ से कोट हो जाएगा। यहाँ पर हमने सभी लड्डुओं को अच्छे से कोट कर लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे ये लड्डू। यह मिठाई बाजार वाली मिठाई को भी फेल कर रही है, क्योंकि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
माय वीडियो।